सबसे पहले ना हमने हम आज बॉडी मेजरमेंट्स करेंगे. सो हमने बॉडी मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, यहाँ पे हमारा शोल्डर आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल इस कॉर्नर पे, यहाँ से लेके हमने नीचे तक हमें मैक्सिमम जितनी लेंथ चाहिए 40, 42, 43 जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आ रही है. ठीक है, तो मैं इसको लिखूँगी लेंथ 43. उसके बाद हमने लेना है बैक साइड से शोल्डर. शोल्डर कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक. तो इसका शोल्डर कितना आ रहा है, 15. सो मैं 15 लिखूँगी यहाँ पे शोल्डर. उसके बाद थर्ड हमने लेना है बस्ट वन. बस्ट वन मैं कैसे लेती हूँ, जो हमारा आर्म होल आएगा वहाँ से अंडर आर्म से लेंगे हम यहाँ पे. ये आ रहा है 36.2, ये हमारी होगी बर्स्ट वन. बर्स्ट वन 36.2. सेकंड हमारी होगी बर्स्ट टू. बर्स्ट टू कहाँ पे आती है हमारी, जो हमारी बस्ट का फुलनेस पार्ट होता है वहाँ पे. सो ये यहाँ से ऐसे लेंगे. ये आ रही है हमारी 36.2. सेम जितनी फर्स्ट बर्स्ट थी उतनी ही सेकंड बर्स्ट भी आ रही है 36.2. उसके बाद हमारा आता है वेस्ट. वेस्ट कहाँ पे होती है, जो हमारा बेंडिंग पोर्शन होता है, बिल्कुल कर्व पोर्शन, ये हमारी आ रही है 30.5. तो इसको हम नोट कर लेंगे 30.5. उसके बाद हमारी आती है वेस्ट. यहाँ पे जहाँ पे रिबन लगा है वहाँ पे हम वेस्ट लेंगे. एक और वेस्ट, ये हमारी आ गई है थोड़ी सी लोअर वेस्ट 27.5. वेस्ट आप इसको वेस्ट टू भी मेंशन कर सकते हो या लोअर वेस्ट भी मेंशन कर सकते हो. और उसके बाद आती है हमारी हिप पोर्शन. हिप कहाँ पे आता है, जहाँ पे प्रॉपर फुलनेस वाला पार्ट हो, ये हमारी आ रही है 36.5. प्रॉपरली राउंड पोर्शन में 36.5 हिप. सो ऐसे हमने बॉडी मेजरमेंट्स ले लिए हैं कुर्ता की.